आज की इस महफिल में, इस बज़म में हम बात करेंगे हर वो चीज़ जो आपकी नज़र से गुजरती है, वो कभी अल्फाजों में बयां हो सकती है और कभी वो अल्फाजों की तस्वीर पहनकर बयां नहीं हो सकती। वाजिफ अली वाजी साहब फरमाते हैं, आँख से गुजरने वाला हर जलवा बयां में नहीं आ सकता। जब आँख महवे नज़ारा हो तो बयां मुमकिन नहीं होता, और जब नज़ारा रुखसत हो जाए तो सेहत बयां मशकूक हो जाता है। और बयान अपनी सदाकत के बावजूद यकीन और बदतमादी के मिले जुले जज्बात पैदा करता है। वैसे भी देखे हुए और सुने हुए मंजर में फ़र्क है। अगर आप आने वाले दौर को देखें तो इस बयान का मुइन के लिए उलझाव का बायस हो सकता है। आने वाले ज़माने को किसने देखा है? सच है, आने वाला गायब है, और गायब अगर नज़र में हुआ तब भी महले नज़र है। आने वाले आयाम आखिर जाने वाले आयाम से ही जन्म लेते हैं। अगर हाल को गौर से देखा जाए तो इस्तकबाल को कबल अज़ वक्त देखा जा सकता है। अगर कोई बूढ़ा शख्स बीमार रहने लग जाए तो मुस्तकबिल इतना गायब पे रहता है कि देखा ना जा सके। अगर खर्च आमदन से बढ़ जाए तो मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रहता। अगर नौजवान में हीरोइन का शौक और आदतें बिगड़ जाएँ तो कौम का मुस्तकबिल साफ ज़ाहिर है। अगर तालब इल्म का तालिब ना रहे तो नतीजा वाज़ेह। अगर काफिले को किसी सालार हीज ना हो तो सफ़र गुमराही की दलील है। काफिले की मंजिल वक्त से पहले आया है। हो सकता है कि दीन सादिक से हमें सुकून मिले। ये दीन सच्चे इंसानों का है। सच्चा दीन आज़ादी का रास्ता हर झूठ से आज़ादी है, हर फरेब से आज़ादी है। अपने परेशानी हाल करो ना रोते हैं हम, शिकम को दिल की तरजीह देते हैं। सुकून कैसे मिले? हम अपने दिमाग को अपना रहनुमा बना लेते हैं, और यह दिमाग नींद के गलबे से नहीं बच सकता। एक मामूली ख्वाहिश दिमाग को परेशान करके रख देती है। मालिक का हुक्म ना मानकर हमें बड़े हुक्म मानने पड़ते हैं, और बड़ों की अताअत करनी पड़ती है। इससे बज़ाहिर बेहतर है कि हम एक की ही अताअत करें। जब आसमान वाला हमारे साथ है, हमारे इशारे के साथ साथ शर्त यह है कि हम उसके साथ हो जाएँ, हम उसके बन जाएँ। ज़मीन वाले इससे ताल्लुक़ रखें ना रखें तो आसमान में एक गिरफ्त है, और अगर ज़मीन वाले इसके हो जाएं तो आसमान के वसते हैं। अमल अमल के ताबे ना हो तो इल्म इल्म के मुताबिक नहीं रहता। राज की बात तो यह है कि राज जानने वाले का अमल ही राज आशनाई का ज़रिया है। उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।